सामेकुम सर क्या हालचाल है ठीक ठाक हैं आप वालेकुम असलम खरीद जी सर लास्ट टाइम हमने बात की थी ल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में एंड वो हमारी डिस्कशन जो थी वो लोगों ने काफ़ी इन्जॉय की और काफ़ी पसंद की तो हमने सोचा क्यों ना हम एक डिस्कशन कर लें डिफरेंट जो हिस्टोरिकली हमारे लीडर्स रहे हैं पाकिस्तान के और शुरू करने के लिए डिस्कशन हमने पिक किया है एक बंदा जो जिसका बहुत एक लास्टिंग इम्पैक्ट है पाकिस्तान की लेगेसी पर फॉर बेटर और फॉर वर्स और जो रिसेंटली लोगों की दोबारा उनकी नज़रों में उनकी यादाश्त ताज़ा हुई है बिकॉज रिसेंटली ही पास्ट हुए दैट इज़ जनरल परवेज मुशरफ परवेज़ मुशरफ का ओबीसी टेन यर जो है वो आपने काफ़ी मैं तो बहुत छोटा था एट द टाइम जब शरफ वॉज इन पावर बट आपने काफ़ी क्लोजली इसको ऑब्ज़र्व किया तो आपके वैसे पर्सनली क्या तरह आते हैं मुशरफ के बारे में इन्ना जी इज़ डाइट नाउ एंड हम अल्लाह से दुआ कूँ मैं कि अल्लाह तबारक माली उनकी मुश्किलें आसान करे और उनके लिए जितने सफ़र हैं वो कम्फ़र्टेबल और इन्जॉयल हूँ और उनकी कब्र मुनवर करे। मुशरफ़ was larger than life he was just not an army general a very literate person he had a very deep analytical thoughts about different aspects of uh, warfare and uh, running the affairs of government and but he came into the government out of the blue he was born in India, New Delhi. His parents were there. They were neighbors of Sir Sayyid Ahmed's family. Both his parents were very literate, very educated. And uh, he came to Pakistan. His father started working in the foreign office. Then his father was transferred to Turkey. Good about 8 10 years he's lived in Turkey as well. So he's a great fan of the. The government and their working styles and all that. Then he joined the Pakistan Army. And his tenure during the Pakistan Army, he has held almost every possible important appointment. And he very uh, happily always said that he's a commando. He joined the Pakistan Special Services Group. Uh, the commandos in the army are not only physically strong, they are mentally very strong. They are trained to take a lot of pressure. Besides they are trained to take the extremes of the weather or hardships of the terrain or if they are outnumbered by the numbers of their enemy, they still fight till the end. That is besides the point these things inculcated in them. But he is proved, over time he was very strong mentally as well he had got very strong nerves everything said and done i think so we should look at look at him as a hero not as a villain he is portrayed as a villain he is presented as a villain because of certain acts which he did during his career आज हम यहाँ बैठे हैं ना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं तो डेफ़िनेटली मैं किसी और जगह नहीं हूँ आप किसी और जगह नहीं हैं गॉड समथिंग इज़ रॉन्ग एट योर अदर एंड और एट माई अदर एंड तो वह यही होगा कि जी बैठ के पॉडकास्ट कर रहे थे वहाँ ये प्रॉब्लम आ गई तो उसी तरीके से बहुत से फ़ैसले और डिसीजन मुशर्रफ ने लिए विच वेंट सार जो वो आउटपुट या रिजल्ट नहीं दे सके या जो उसके नुक़ नज़र में ठीक थे लेकिन वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ठीक नहीं थे कुछ आपको पता है कि कॉम का लीडर एक ही होता है प्रेजिडेंट ये ही होता है या चीफ आर्मी का एक ही होता है फ़ैसले उसने लेने होते हैं तो कैलकुलेशन की गलती भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है बट आई वुड लाइक हिम टू बी रिमेम्बर्ड एज अरो पीपल है पीपल है क्या आपको ये लगता है कि रीडिंग अबाउट मुशरफ मुझे जो एक इम्प्रेशन मिलता है वो ये अब आजकल आई थिंक हम जनरली एज ए पीपल बड़े सिनिकल हो चुके हैं ख़ास तौर तो पे अपने पॉलिटिशियंस के बारे में क्योंकि हर जगह एक हमें एजेंडा नज़र आता है या हमें कोई अल्टीरियर मोटिव्स नज़र आते हैं हर चीज़ थोड़ी प्रोपागेंडाइज हो चुकी हुई है लेकिन आपको क्या लगता है कि मुशरफ जो है रीडिंग अबाउट इट सीम्स के वो बड़ा एक सेंसीयर प्लेस से आ रहा था डू यू थिंक ही वो सेंसेयर विद द कंट्री देखो एक इंसान की ना सन्सैरिटी जो प्रूव होती है वो अगर आप इसकी ज़िंदगी को देखो ना जब ये फ़ौज में था तो पहला मौका जिस पे ये हाईलाइट हुआ या इसने डेमोस्ट्रेट किया अपनी सन्सारिटी को ही इस डिप्लॉयड इस इन कश्मीर सेक्टर और 65 की वॉर के अंदर इसकी जो गन पोजीशन थी बिलोंग टू आर्टिलरी जो गन पोजीशन थी दैट केम अंडर हैवी एनिमी फायर एक गन थी उसके ऊपर गोले ने हिट किया और उसको आग लग गई तो एवरीबडी बडी रेन वे फॉर लाइफ ही इज़ दी ओनली पर्सन जो वहीं खड़ा रहा मौके पर और वह शदीद आग लग गई और ख़तरा ये था कि जो गन पोजिशन के साथ मैगज़ीन होती है जिसमें गोले पड़े होते हैं अगर वो मैगज़ीन फट जाती है तो एवरी थिंग विल बी ब्लोन ऑफ और ये यहाँ से जो एनिमी को फायर दे रहे थे वो दे ही नहीं पाएंगे इसने जब वहाँ जा के देखा तो तीन शदीद जख्मी थे और उनको बचाने का तो चांस ही हो सकता था कि वहाँ आग लगी हुई थी इसने उस जलती आग में वहाँ से वो जो गोले थे निकालने शुरू किए जब इसने ये काम करना शुरू किया तो एक और सिपाही जो दलेर था इसकी तरह का वो भी विद हिम एंड सब्सिक्वेंटली एवरीबॉडी हु रन अवे फॉर शेल्टर वो सारे वापस आ गए और उन सब ने मिल के सबसे पहले आग बुझाई और वो जो मैगज़ीन थी उसको सेफ़ बनाया कि फर्दर कोई नुकसान ना हो और इन द मीन टाइम दो शहीद हो चुके थे और एक जो था वो आखिरी सांसों पे था तो मुशरफ जो है उसने उसका सर अपनी गोद में रखा और उसको बैंडेज करने की कोशिश की एंड दैट वाज द टाइम वन ही लेड डाउन इज़ लाइफ फॉर इज कंट्री तो मुशरफ के बकौल वो बड़ा उसके लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था लाइफ का कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मेक अ चॉइस कि वो उनको पहले बचाता या उस पोजीशन को बचाता तो उसने वो पोजीशन बचाई कि वहाँ से उन्होंने एनिमी पे फायर करना था सो so, उसका मुल्क और उसका कॉज पहले था अपनी जान और साथियों की जान बाद में थी तो मेरा ये ख्याल होता है कि बहुत सारे लोग हैं ना जो सारी उम्र क्लेम करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस हमारे लीडर्स के जनाब हम बड़े मुल्क के वफादार हैं और उनके पूरे टनिवर में को मौका ही नहीं आता जहाँ उनकी वफ़ादारी प्रूव हो सके तो ये एक मौका था ग्राउंड रियलिटी थी हमारे सामने कि जहाँ स्टूड टू हिज कमिटमेंट और वो उसने प्रूव किया एंड लेटर ऑन फिर जो वहाँ से फारिंग हुआ तो ये जॉइंट एस एस जी कमांड में चला ही गया और उसने जहाँ दिन रात अपने एक कर दिए एस एस जी हमारी यानी एलीट फाइटिंग एलीट फाइटिंग फोर्स है मतलब दे आर द बेस्ट एंड दे आर द लास्ट उनके बाद कुछ नहीं आना होता मतलब जहाँ वो डिप्लॉय होते हैं दैट मीन्स के बाकी सारे हमारे अटम्प्ट uh, फेल हो चुके हैं हमारी पुलिस लोकल लेवीज फौज के बाकी दस्ते नाकाम हो चुके हैं या उनके बस की बात नहीं है तो देन दे आर लॉन्च और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं आना होता तो वो जो जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी एक्शन में जाते हैं कमांडोज तो वो उनका डू एंड डाई मिशन ही होता है एंड ही वॉज ऑनर्ड वैन ही बिकेम ब्रिगेडियर तो जो नया एक ब्रिगेड खड़ा हुआ एस एस जी का तो जियालहक द चीफ दैन ही हैंड पिकड हिम फॉर देट असाइनमेंट तो ये को काबिल था इसमें कोई इनिशटिव ड्राइव कोई लीडरशिप कोई चीज़ थी इसने अपना मेटल वर्थ प्रूव की हुई थी तो इसको चीफ ने डायरेक्टली हैंड पिक किया लगाया एंड लेटर ऑन ही कमांडेड दी एस एस जी ग्रुप है एज़ वेल एज ए मेजर जनरल तो वो बड़ी डेकोरेटेड इसकी लाइफ है फिर जहाँ तक काबिलियत का ताल्लुक है लोकल पाकिस्तान से स्टाफ कोर्स किया हुआ और बाहर से भी यू के से भी रॉयल कॉलेज से भी स्टाफ कोर्स किया तो वहाँ पूरी दुनिया के टॉप के जो फौजों के टॉप ब्रेस होती है वो ट्रेन हो रही होती है तो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं आप सीखते हैं दूसरे मुल्कों की फ़ौजों को स्टडी करने का मौका मिलता है एक्चुअली जो मुल्क वर्ल्ड वॉर में थे उनके नुमाइंदे वहाँ आए होते हैं जरनेल बनने के लिए वो डिस्कशनें होती हैं तो आप बहुत इन होते हो तो सही मायनों में बाकी अगर आप देखें एज ए जर्नल ऑफिसर तो कहीं मुशर्रफ का जिक्र नहीं आएगा बिफोर बिकमिंग द आर्मी चीफ आई I मीन mean, ही बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं थे वरना आप देखते हैं हमारे यहाँ भी कोई ना कोई जरनेल लाइमलाइट में आ जाता है कोई डी जी आई एस आई होता है कोई किसी इंपॉर्टेंट कोर पे बैठा होता है किसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे होता है कोई बड़ी वो कुछ गेम्स कंडक्ट करता है तो नाम आ जाता है मीडिया पे आ जाता है मतलब नो बडी हैड अ क्लू यानी आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल लीडर क्लाइम करने में इंटरेस्टेड नहीं नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल मतलब जो चीफ बनने का वाक्य है यू वो सिटिंग इन मंगला एंड कोर कमांडर मंगला बेगम के साथ बैठे वॉचिंग टेली गेट्स अ कॉल फ्राम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मिलटी सेक्रेटरी के साथ आपको प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं तो ही सेड वाई ऑन अर्थ द प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू मीट वन ऑफ दी लेफ्टिनेंट जनरल्स चीफ पिंडी में बैठा हुआ है उसको मिलने जो काम है जो मसला है जो इशू है उन्होंने कहा नहीं सर आपको मिलना चाह रहे हैं उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आई कम टुमोरो उन्होंने कहा नॉट ट राइट नाउ उसने कहा कि आई हैव टू इन्फॉर्म द चीफ बिकॉज फौज का जो एक एस ओ पी है उसमें अगर कोई पोलिटिकल हरारकी से इंटरेक्ट करता है तो आर्मी चीफ करता है बाकी सारे जो होते हैं वो दे हैव टू स्टे ए पोलिटिकल और अपने कामों में लगे रहते हैं वो नहीं कर सकते तो ही वो इंस्ट्रक्टेड बाई दू एस कि आप सर काइंडली मिलें भी नहीं अब इंफॉर्म भी ना करें चीफ को आप स्टेट ऑफ इस्लामाबाद आ जाए तो वो कहता है मैंने अपना एस्कॉट तैयार कराया और अपनी एक फेवरेट पिस्टल थी क्लॉक की जो हमेशा यूज़ करता था उल तो सब कहते हैं कि मैंने वो साथ अपने लगा ली एंड आई स्टार्ट ड्राइविंग टू इस्लामाबाद एज आई एवज एंटरिंग इस्लामाबाद ही इज़ गुड ओल्ड फ्रेंड ब्रिगेड एजाज शाह वॉज देन डायरेक्टर आई साइ इन लाहौर और वो बाद में डी जी आई इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बने तो उन्होंने इसको कॉल की कॉन्ग्रेचुलेशन सर यू है बिकमिंग दी चीफ उनको पता लग गया कहीं से नवाज शरीफ क्या फैसला कर रहा है और लो एंड होल्ड ये मीस्टर प्राइम मिनिस्टर है इंटेलिजेंस मैंने बिकम्स दी आर्मी चीफ तो वाइटी नवाज शरीफ ने सेलेक्ट किया परवेज़ मुशरफ को फॉर दिस पोजिशन उसकी दो तीन वजूहत थी जो अब मुख्तलफ शवाहद मिलते हैं एक तो हमेशा नवाज शरीफ वगैरह या पॉलिटिशन ऐसे जर्नैल को पसंद करते हैं जिसको पॉलिटिक्स का कोई शौक ना हो लाइम लाइट का कोई शौक़ ना हो और ये थरों प्रोफेशनल हो अपनी टिका के सुबह आठ से दो नौकरी की एक्सरसाइज की पी टी की ड्रिल्स की

एवरीबडी स्टार्ट थिंक दैट आई कुड बी वन जो विल गेट फोर्थ स्टार तो लोग फिर चूंकि लोग हैं इंसान हैं फिर रिश्ते तो हैं नहीं तो कोशिशें मनूवरस किसी तरीके से लाइमलाइट में आना पी के सामने मुलाकात में जाना किसी फंक्शन में इन्वाइट कराने की कोशिश करना अपने आप को हाई करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन बींगज एंड दे ट्राई टू पुल दिस थिंग्स आई थिंक नवाज शरीफ वॉज राइट एंड ही वॉज़ लाइक दिस ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इसके अंदर लेकिन जब उसको टास्क मिल गया तो उसने बड़े अच्छे तरीके से किया ही वॉज़ वेरी पॉपुलर अमंग्स हिज ट्रूप्स हिज जर्नल ऑफिसर्स हिज ऑफिसर्स और कथन भी वो ऐसी पर्सनलिटी नहीं थी कि जो मशहूर नहीं थी या फेमस नहीं थी या पॉपुलर नहीं थी या लोगों ने ये नहीं समझा कि भाई एक अच्छा चीफ आया बिल्कुल ही वॉज़ वेलकम्ड सारा कुछ हालांकि काफ़ी जर्नैल जो थे सुपरसीड हुए थे इसके बीच में बट uh, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोडक्टिव है आपको लगता है कि इट इज़ पॉसिबल कि ये एक भुटो टाइप सिचुएशन थी जहाँ भुटो ने जब जागो को अपॉइंट किया तो उनका ये एक आइडिया था कि ये बंदा जो है ये मेरी बात मानेगा या इसको मनीपुलेट करना थोड़ा ईजी होगा यही हाल जनरल मुशरफ का था जनरल जया उलह का था जब भुटो ने उनको अपॉइंट किया तो वो भी बड़ी काम गो रिलीजस वाले अपना नमाज रोज़ा करना अपनी नौकरी करनी बड़ी शराफत के साथ जहां जया का एक घर था किराए पे किराएदार खाली नहीं करता था आई मीन विज एज जनरल ऑफिसन दी आर्मी किराएदार घर खाली नहीं करता था तो नेवर यूज़ दिस स्ट्रेंथ या मसल्स पोल नहीं किए वो जब चीफ बन गए और सब्सिक्वेंटली प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए तो उसको पता लगा तो उसने जाके कहा जनाब ये हम माफ़ कर दें घर मेरे से ले लें तो जयाल्लाक ने फिर भी उसका कोई नुकसान या बुरा भला नहीं कहा उसको कुछ ये वो तो ही वॉज़ लाइक दिस इन इज पर्सनल कॉन्डक्ट तो वो भी अच्छी चॉइस थी भुट्टो की बट वक्त ने ये प्रूव किया है कि ऐसे लोग जिनको कोई शौक़ नहीं होता पॉलिटिक्स का दिस डज़ नॉट मीन कि जब वक्त आएगा तो वो साइड पे बैठे रहेंगे बिकॉज वो प्रोफेशनल लोग होते हैं अपने काम से काम रखते हैं तो जब वो आर्मी चीफ़ बन जाते हैं तो वो देखते हैं फिर वो एक किस्म का उनके एम्ब में एक चीज़ आ जाती है उनकी निगरानी में एक चीज़ आ जाती है और उनको जिस लेवल की इंफॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग की गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान्स की गवर्नमेंट के अच्छे या बुरे प्लान्स की जो इतला एक चीफ को मिलती है वो एक रूटीन के जर्नैल को नहीं मिलती तो जब आप देख रहे होते हैं आप चूँकि एक अच्छे आदमी होते हैं कॉन्शियशस होते हैं आप वफ़दार होते हैं अपनी अपने अहदे के साथ अपने तो आप देन यू रियलाइज़ कि याद ये मेरी नाक के नीचे मेरे मुल्क में ये क्या हो रहा है तो यू आर लाइकली टू रिएक्ट या फिर ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इनको ब्रॉबीट करना मुश्किल होता है कि वो समझेंगे यार ये बड़ा चुपचुपू टाइप का है नौकरी कर रहा है तो कल को इसको जिधर हम लगाएंगे तो ये लग जाएगा ना हक लगे ना ही मुशर्रफ साहब लगे और आने वाले दिनों में हमने देख लिया है ना ही जो हमारे प्रजेंट चीफ गए हैं वो भी इस तरह नहीं आप कर सके कि उनको जिधर आपने चाह म लिया और कर लिया तो उसमें मुशर्रफ डिड वेल चीफ और अपना हमने काम शुरू कर दिया जैसा इसके इमीजटली बाद आपका एक बड़ा मशहूर इंसिडेंट जो है कारगिल इंसिडेंट वो हुआ अब इस टॉपिक में एक इशू ये है कि आई थिंक हम इसको जिस तरीके से भी एड्रेस करेंगे हमने किसी हम इसको उसको ट्विस्ट कर लें लेकिन मेरा ख्याल है हमें हक़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए बात ये थी कि कश्मीर के साथ तो हमारा इशू राइट फ्रॉम फ्राम दर्ल्ड गो है वो क्लेम करते हैं उनका है हम क्लेम करते हैं उनका है कश्मीरियों से कोई पूछना है पूछता है नहीं है यू एन वेबसाइट हुई हुई है कि जी पूछो भाई साहब से क्या चाहते हैं वो जाने दो उनको वो होता नहीं है इंडिया अपनी मसल पार से सात आठ लाख आर्मी वहाँ बिठाई हुई है और उनको रूल कर रहा है और चला रहा है तो ये कुछ बर्फ़ की ऐसी पहाड़ियाँ थी जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और बड़ी हाइट है कि जो पॉसिबल नहीं है कि शदीद सर्दी में उनको मैन किया जाए तो पाकिस्तान अपनी गन पोजीशन से पीछे हट जाता था जब ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और इंडिया भी और फिर इनका कुछ टाइम होता था मार्च अप्रैल में वापस आने का तो वो इस दफ़ा फ़ौज ने यहमतमली प्लान की कि अगर एक टेंटेटिव डेट या एक 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 वर्कड आउट रिलेशनशिप यह था कि जी दस अप्रैल को दोबारा वो पीक्स को हम दोबारा मैन करेंगे तो इन्होंने दस दिन पहले ले जा वहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन और कुछ ट्रेन लोग बिठा दिए जब इंडिया आया तो इंडिया की पोजीशन भी उन्होंने ले ली हुई थी उन्होंने आगे से फायर खोल दिया और उनको पीछे हटा दिया अब इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि इंडिया जो था वो पैनिक कर गया क्योंकि इंडिया की जो मेन हाईवे है कश्मीर की त्रास कारगिल रोड वो डायरेक्ट उसके लाइन ऑफ फायर में आ गई यानी वहाँ से उनकी कम्युनिकेशन ही ज़ीरो होगी और एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कट गया बाय रोड कम्युनिकेशन से इंडिया का इंडिया ने पैनिक किया इंडिया ने तो एयर स्ट्राइक्स भी शुरू कर दी सब कुछ इस पर फिर पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व हो गई और जब पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व हुई तो बाकायदा कारगिल पे बड़ी सीरियस हमारी उनके साथ एक छोटे स्केल पे जंग शुरू हो गई अब ये वक्त था कि जब पोलिटिकल हरारकी भी फ़ौज के पीछे खड़ी होती देखो आपने प्लान किया मैं प्लान करता हूँ कि मैं आपको एक थप्पड़ लगा दूँ या आप मुझे एक थप्पड़ लगा दें और थिंकिंग भाई मैं मैं बूढ़ा आदमी हूँ तो मैं खामोशी से बैठ जाऊँगा जब आप मुझे थप्पड़ लगाते हैं तो इतने में, में मेरा बेटा आ जाता है वो आपसे दोस्तों गिरबान होता है लड़ना शुरू कर देता है और झगड़ा बढ़ जाता है अब ये प्लान कतन नहीं था फ़ौज का कि ये झगड़ा इस तरीके से पड़ेगा और ये एक स्मॉल स्केल वॉर के अंदर चला जाएगा और हमारी पोलिटिकल रजीम जो है इस तरह रिएक्ट करेगी वो पोलिटिकल रजीम ने तो यहाँ तक कहा कि हमें पता ही नहीं था हमें नहीं पता था ये क्या हो रहा है हमारे इल्म में नहीं था वेर एज मुशरफ क्लेम्स के ही वॉज़ ब्रीफ्ड इन टू इट वो जब जंग बड़ी हो गई तो उस वक़्त मेरा ये ख्याल है कि भैया सब घबरा गए आप देखें ना अभी ये बालाकोट वाला इंसीडेंट्स हुआ तो कहते हैं कि जो पोलिटिकल रजीम थी इन पावर वो फ़ौज से दो कदम आगे खड़ी थी कि हमने रिएक्ट करना है स्ट्राइक बैक करना है इनको सबक उठाना है नथिंग डूइंग वट एवर द कॉन्सिक्वेंस मे बी तो ये थोड़ा सा वो बंदे की अपनी नब्जों की भी बात होती है तो वो मियाँ साहब मे खिला घबरा गए वो फॉरन क्लिंटन के पास चले गए वो भी खफाई शफा हुआ उसने भी डंडे शंडे मारे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम कितने इंडिया ने भी शोर शोर ये आज तक वैसे क्लियर नहीं हो पाया कि ये वाकई मुशरफ ने बताया था या नहीं बताया नवाज शरीफ को इट सीम्स के मोस्ट तो लाइकली उसने ब्रीफ किया होगा असल में ना अगर आप मैं इंतहाई माजत से बात करूँगा ना हो किसी की अगर हम देखें ना मियाँ साहब की जो तबीयत है और मियाँ साहब का जो बिहेवियर है ड्यूरिंग दी कॉन्फ्रेंस एंड प्रेजेंटेशंस एंड ऑल तो वो एक दफ़ा जी एच की ले गए प्राइम मिनिस्टर बन के तो वहाँ ब्रीफिंग हो रही थी तो सामने ला के उन्होंने सैंडविचेस वगैरह रख दिए तो नॉर्मली जब इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होती हैं आप खुद देखते हैं ज़िंदगी में आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं या किसी इंटरव्यू में जाते हैं आगे चाय बिस्किट भी पड़े हों तो आप ना चाय लेते हैं मैक्मम सिप लेते हैं बिस्किट्स को हाथ नहीं लगाते कि आप वो खाएंगे तो कोई उसके भोरे गिरेंगे या वो कोई मुंह पे लग जाएगा या कोई कैसा होगा तो मियाँ साहब ने बड़े आगे होके वो सैंडविचेस की प्लेट अपने नज़दीक की और खाने शुरू की उसको ख़त्म किया और लेटर ऑन उन्होंने कहा कि यार ये बड़े मज़ेदार हैं कांट वी हैव द मिनी प्राइम मिनिस्टर हाउस एज वेल तो वो चीफ भी हैरान जो उधर उनके एड्स थे वो भी हैरान कि भाई हम इसको क्या बता रहे हैं कि जनाब दुश्मन की स्ट्रेंथ कितनी है और हमारी क्या कैपेबिलिटी है हमारे वीक एरियाज़ के हैं और हमारी तो ये बजाय उधर कमेंट करने के इज़ मोर इंटरेस्टेड इन दैंडविचज़ेज़ज तो उनकी तबीयत इसी तरह थी और भी बहुत सारे वाक़ हैं जो मेरा नहीं ख्याल मैं कोट करना चाहूँगा तो वो अगर आप सुने तो यू विल गेट इन फिट्स ऑफ लाफ्टर कि वो कैसे बिहेव करते थे इन टू दीज हाई प्रोफाइल मीटिंग्स और रिसेंटली आपने उनके वो इस्तंबुल में जो कबाबों वाला है वो वाक़ तो सुन ही लिया वो एक ब्यूरोक्रेट का एक उसने बताया कि किस तरह वो डेस्परेट थे कि जी ये कबाब तो किसी तरीके से मैं खा सकूँ वहाँ जा सकूँ या यहाँ मंगवा लो या कुछ कुछ करो तो वो उनका यही तरीका कार होता था हो सकता है प्रेजेंटेशन हुई हो उसमें ये गुफ्तु हुई हो ये प्लान दिया हो एंड आई एम श्योर कि जब वो प्रेजेंटेशन भी होती है तो तरह के लिए खोल के नहीं रख देते कि जुलाई की सत्रह तारीख़ को हमारे ट्रुप वहाँ जाएँगे जुलाई की अठारह को हम इन्वेजन लॉन्च करेंगे इतनी बटालियंस डिप्लॉय होंगी इतने जवानों की कैजुलटी का ख़तरा इतना वेपन होगा ये हो आगे पीछे बिकॉज दीवारों के बिकान होते हैं कोई सीक्रेसी होती है मिलिट्री ऑपरेशन के प्लान्स की तो इसको उन्होंने तो आइडिया दिया होगा और मेरा ख़्याल है इन्होंने बेख्याली में या ना समझी में सर हराया होगा बिकॉज मैं नहीं समझ सकता कि इतना बड़ा प्लान आप बगैर पोलिटिकल हरारकी को इतला की बगैर कर सकते हो और आफ्ट फॉर वॉट यानी उसके बाद कोई फील्ड मार्शल तो नहीं बन जाना था परवेज मुशरफ ने या उसको इंडिया का चीफ़ तो नहीं हमने अपॉइंट कर देना था या यूएस एस आर्मी का एडमिरल तो नहीं उस बन जाना था जाना तो यहीं पे था तो ये हो नहीं सकता था और इस पर एक्स्ट्रा एक एक एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए होती है एंड माइंड यू जब ये जंग लगती है तो एयरफोर्स नेवी इन्वॉल्व हो जाती हैं वो अगले मुड़ के कह सकते हैं हमें पता ही नहीं है ये कैसे हो सकता है कि नेवी में भी डिस्कशन हुई होंगी एयर में एयरफोर्स में भी डिस्कशन पार्ले से प्लान्स हुए होंगे कि भाई प्लान ए ये है बी ये है सी ये है तो पॉलिटिकल हरारकी को पता ही नहीं लगा या किसी ने बताया ही नहीं या किसी ने इतला ही नहीं की या उनके कोई जराए ऐसे नहीं थे कि वो सेपरेटली इंटेलिजेंस कलेक्ट करते कि भाई हमारी फौज क्या कर रही है आई डोंट थिंक उसमें सदाकत नहीं है ओके okay, जब वन से हो गया मगर ठीक है जो नवाज शरीफ का स्टेप था वो ये था कि उसने बिल क्लिंटन को वहाँ से यू से रिक्वेस्ट की कि इसको किसी तरीके से रुकवाया जाए और हमारी जान छुड़ाई जाए जान छुड़ाई जाए डू यू थिंक कि ये सही स्टेप था इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि देखा जाए तो अगर अब फुल स्केल वॉर हो जाती है इंडिया के साथ तो जितने भी उस टाइम के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और मिलिट्री कमेंटेटर्स हैं उनका यही कहना है कि हम नहीं जंग वो लड़ सकते थे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो जंग देखो दो तीन चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं एक मुशर्रफ़ ने यह काम अकेले किया और नवाज शरीफ को बताया नहीं दूसरी चीज़ यह है कि नवाज शरीफ को पता था उसने रिएक्ट गलत किया अब तीसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ ने बिल क्लिंटन को इन्वॉल्व करके प्रेशर डलवा के इस काम को रखवाया कि वे फ़ौज को विदड्रा करो ये वाला अमल तो किसी हद तक दुरुस्त है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बजाय वो बिल क्लिंटन से प्रेशराइज कराने के अपनी फ़ौज के साथ बैठता सिर जोड़ के बैठता एंड एज अ पॉलिटिशियन एज द लीडर ऑफ़ द कंट्री उनके सामने हक रखता कि भाई ये अगर दस दिन जंग लग गई तो हम तो कहीं से इतना पैसा नहीं दे सकते ला सकते तो हमें ज़्यादा बुरी मार पड़ेगी हमारा ज़्यादा नुकसान होगा दिस ही शुड हैव डन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जाके जब आप अपनी इतनी इनबिलिटी शो करती हो ना कि हम तो आपस में बात भी नहीं कर सकते दूसरे के साथ यानी ये जो डिवाइड है बिटवीन द पोलिटिकल रजीम एंड दी इस्टेब्लिशमेंट दर्मी जो इतना हमेशा से रहा है और हमेशा इसको हर ने हर ने इसको फलें फूलने दी है अगर मुशर्र साहब ने नहीं बताया तो इसने उस डिवाइड को स्ट्रेंथन किया और इसने अगर बजाय इनसे बात करने के अमेरिका दौड़ गया तो इसने भी उस डिवाइड को स्ट्रेंथन किया और ये फ़ासले बढ़ते ही चले गए इनफैक्ट दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट जहाँ मुशर्रफ़ और नवाज़ शरीफ एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इनके ताल्लक जो थे रिलेशनशिप ख़राब हो गए फिर इट बैड टू बस एंड अच्छा इसको इमिजटली फिर फॉलो करता है नाइन्टी नाइन का जो था जिसको मुशरफ कहता है कि दिस वॉज अ काउंटर कू देखो हमारे यहाँ क्या होता है मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो गया ना हम बात करेंगे आपस में ना हम बर्दाश्त करेंगे कि यार कोई बात नहीं ठीक है नई बात बनी हम स्ट्रेट अवे कहेंगे मैं कहूँगा कि मैं आपको इनाइलेट कर दूँ ख़त्म कर दूँ आप कोशिशें करेंगे कि मैं ना रहूँ हमारे यहाँ तो इससे कम बात ही नहीं होती द मोमेंट दिस हैपन चीफ था द आर्मी चीफ एंड अपॉइंटिंग अ न्यू आर्मी चीफ अच्छा अब फौज में चीफ को रिटायर करना और नया चीफ़ लगाना को थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल होता है कोई एस होती हैं कोई तरीका कार होता है एंड ही हैड ऑलरेडी सेक्ट एंड आर्मी चीफ जन जहंगीरकर अहमद को सैक कर चुके थे उसके कहा जनप्र मुशरफ आए हुए थे तो आई थिंक ही वाज एक्टिंग बहुत ही एक्टिंग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड ही वाज एक्टिंग लाइक अ मेवरेक और अ अकाउबॉय कि मैं ये अगले चीफ़ को भी कर लूँगा और कोई कुछ होगा भी नहीं अच्छा ओके okay. तुम करना चाहते हो तुम तरीके से करो तुम प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस आप एक दफ़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये 99 का जो कू था ये एग्जैक्टली exactly किस तरीके से हुआ था ये हुआ ऐसे कि खबरें तो आ रही थी ताल्लुक ख़राब हैं एक दूसरे की कॉल्स भाग हो रही थी वो इनकी करवा रहे थे ये उनकी करवा रहे थे फिर आपको पता है कि आ, बात निकल जाती है कहीं तो चीफ गए हुए थे दो चार दिन के लिए श्रीलंका उनकी पचास साल तकरीबा थी शायद उनकी पचासवीं साल रात थी श्रीलंका की वहाँ पर चीफ वॉज देयर इन इज एब्सेंस ही जनरल जनरल जियाउद्दीन अ वेरी कॉम्पिटेंट जनरल अ वेरी 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 कॉम्पिटेंट जनरल दो ही बिलोंग टू इंजीनियर्स वो फाइटिंग आर्म्स में से नहीं थे बट बहुत काबिल जनरल थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया उनकी गुड लक या बैड लक नवाज शरीफ को अच्छे लगते थे इट सो हैपन या कहते हैं चूँकि वो भी कश्मीरी थे तो नवाज शरीफ को था कि भाई मेरे को अपना बंदा लगाने लगाओ मे बी चीफ का तैयारा वापस आ रहा था तो जहाज को हुक्म हुआ कि जहाज़ जो है वो कराची लैंड नहीं करेगा जिधर मर्जी ले जाओ भाई तो कहाँ ले जाओ और यहाँ पर टी वी पर पटियाँ चलनी शुरू हो गई कि जन जियाद्दीन चीफ अपॉइंट हो गए चीफ अपॉइंट हो गए वो उन्होंने कॉल करनी शुरू कर दी जी एच क्यू में जर्नलों को क्योंकि मैं कल आऊँगा तो मैं गार्ड ऑफ ऑनर लूँगा तो मैं ये करूँगा तो फलाने को मैंने पोस्ट कर दिया फलाने को ट्रांसफ़र कर दिया बट चूंकि ताल्लुक तो दो तीन महीने से ख़राब हुए थे मियाँ साहब के स्टाइल का लोगों को आइडिया था किस तरह ये एक्ट करते हैं बग़ैर किसी थाट के मैं समझता हूँ मियाँ साहब कसूरवार नहीं है सारे काम में जो उनके एड्स थे वो भी कसूरवार हैं जो जो पोलिटिकल एड थी उनकी जो उनको मशवरे दे रहे थे चलो भाई मियाँ साहब को नहीं पता कि फौज की वर्किंग क्या है कोई तो ऐसे बंदे होंगे जो बता सकते होंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं हो सकता भले इस भोंडे तरीके से नहीं हो सकता कि तुम्हें एक चीफ एयरबोर्न है उसे को ज़मीन पे नहीं उतर सकता ज़मीन पे तुम एक नया चीफ खड़ा कर दो और वो चीफ वहाँ पोस्ट के ट्रांसफर शुरू कर दे वो इतने में जनरल महमूद ने जो कमांडर टेंथ कोर थे वो एक ट्रिपल वन ब्रिगेड है जिसके पास वेपन या एमोनेशन होता है पिंडी के अंदर उसको ऑर्डर मिला उन्होंने एक ब्रिगेडियर सती थे जो उसको कमांड कर रहे थे उन्होंने ट्रुप्स मूव किए अपने और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गवर्नमेंट का अगर तख्ता उल्टना हो तो आपको 25 बंदे पी एम हाउस भेजने पड़ते हैं पच्चीस टी वी स्टेशनों पर रेडियो स्टेशन और मे बी द प्रेजिडेंट हाउस इन दैट सेट एंड ऑफ द स्टोरी उसके बाद कोई कहानी नहीं ले जाती लेकिन इसमें एक बहुत ड्रामा इन्वॉल्व हो गया एक वो एक बड़ा वर्थ डिस्कसिंग प्लॉट है कि जिस पर शायद एक बड़ी जबरदस्त मूवी बन सकती है प्लेन वॉज नॉट अलाउड टू लैंड एंड टू टेकन टू आस्क टू टेक टू गो टू जयपुर आप जाओ इंडिया में लैंड कर जाओ okay. पायलट समझ गया कि कुछ जहाज़ में कोई ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से हो रहा है ये क्यों हो रहा है आई एम नॉट अलाउड टू लैंड इन कराची okay. तो जब उसको पता लगा कि पीछे आर्मी चीफ बैठा हुआ है या उसको पहले ही पता होगा कि वी पैसेंजर ऑन बोर्ड है उसने फिर उसके पहले एम एस को बुलवाया फिर मुशरफ ख़ुद कॉकपिट में आ गया तो उन्होंने बताया कि सर ये योको मैं तो हम जयपुर जा रहे हैं उन्होंने कहा और मैं डेड बॉडी वहाँ तो नहीं जाएंगे फिर उसने बताया कंट्रोल टावर को उनका नवाबशाह ले जाओ जब नवाबशाह जा रहे थे तो फ्यूल भी कम था इन द मेन टाइम जो ट्रुप्स थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था कराची एयरपोर्ट को एंड देर दि, वॉज डिविजनल कमांडर मेज जनरल वॉज इन द कराची ए तो अब डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया होता शायद खकान अब्बासी को वो सेटिंग दी पी आई एंड आई बिलीव सिविल एविएशन वो डायरेक्टली कह रहे थे कि जी नहीं उतरने देना किसी की अब आप थोड़ी देर को इनके दिमाग इनकी काबिलियतें देखो यार तुम ज़रूर सैक करो चीफ़ को उसको पकड़ लो उसको गिरफ्तार कर लो उस पर झूठी सची बट उसके साथ दो ढाई सौ बंदा है जहाज़ में जहाज़ अगर गिर के क्रैश हो जाता है तो क्या मतलब कौन जिम्मेदार होगा क्या होगा एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आप कह रहे हो कि जो आपका सिटिंग आर्मी चीफ है उसको आप जयपुर ले जाओ इंडिया डिलीवर कर इंडिया लैंड कर जी मतलब तो मतलब, तो, मतलब तो, देखें जब हम ये बात करते हैं ना कि इन लोगों को एहसास ही नहीं है किसी का तो वो पास की मिसालों से ही है ना बाकी ना मैं नवाज शरीफ के साथ पढ़ा पढ़ाऊँ ना मैं जरदारी साहब का क्लास फेलो रहा हूँ ना ही मैं इमरान साहब के साथ क्रिकेट खेला हूँ बट इनके जो एक्शन और जेस्चर्स हैं वो हमें बताते हैं ना कि इनको मोहब्बत कितनी है मुल्क से या हम से या किस से ये सारे लोग बहुत अच्छी डुगडुगी बजाना जानते हैं हमें नचाना जानते हैं और हम बहुत भोले लोग होते हैं हम किसी न किसी स्लोगन के पीछे भुट्टो साहब का था रोटी कपड़ा मकान नवाज़ शरीफ का कुछ और था नवाज शरीफ का था कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो उसमें औरतों ने जेवर उतार उतार के दिए पैसा दिया और किसी को पता नहीं कहाँ गया इसी तरह की स्टोरियाँ कहानियाँ चलती रहती हैं वो जब फिर फाइनली फ़ौज ने अब टेक ओवर कर लिया था देवर आस बैक टू कम डाउन टू कराची और कराची वो जहाज पर लैंड हुआ और मुशर साहब उतरे जब मुशर साहब उतरे तो दुनिया बदल चुकी थी इट वॉज हिज़ वर्ल्ड नाउ एंड नवाज़ शरीफ हैड नथिंग टू डू वहाँ पर उनको जल महमूद ने अरेस्ट कर लिया था वो थोड़ी बहुत ही कोई उधर कहते हैं उन्होंने जब वो हो रहा था प्रोसेस उस प्रोसेस में जो एक आ, साहब थे वेरी क्लोज़ टू तो शरीफ ही वॉज़ वेरी क्लोज टू मी एज वेल तो वो उन्होंने बताया कि जब मैं मुँह जब आए तो, तो बारह उनके साथ कमांडोज थे गन्स पॉइंटिंग टूर्ड्स द पी एम तो शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा करने की कोशिश की कि नहीं नहीं ये तो वो है प्राइवेट एरिया है प्राइवेट बेडरूम है यहाँ कोई ना आए ये प्राइवेट विंग है पी एम का तो उन्होंने कहा जी विंग शिंग कोई नहीं है स्टोरी एंड हो चुकी है अब चलो बड़े गा, बड़े घर की तरफ ले गए उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया अटक किले में लेकिन वही हुआ कि वो वहाँ से भी वो निकल गए मैं समझता हूँ मुशरफ नेवर वांटेड टू बिकम द प्रेसिडेंट और द किंग ऑफ द कंट्री और द लीडर ऑफ द नेशन मेरा ख्याल है सरकमस्टांसिस ऐसे क्रिएट हुए कि उसके लिए रास्ता कोई नहीं था अगर उसको ज़मीन पर बिठा के कहते ना भाई तुम्हें सैक कर रहे हैं यार तुम्हारे साथ नहीं बन रही तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग नहीं डिवेलप हो, हो रही तुम जो काम करते हो हमें नहीं समझ आते नहीं सूट करते शायद वो सोचता कोई रास्ता निकल आता बैठ के कि चलो जी ठीक है मैं चार महीने बाद हेल्थ ग्राउंड्स में निकल जाऊंगा या मैं कुछ और कर लूँगा बट ये कि वो हवा के अंदर है वो करना नीचे उसकी सारी फौज देख रही है जिनके साथ वो जीता मरता है खाता पीता है वो उसके बच्चे हैं देर लाइक ब्रदर्स टू हिम तो वो उन सब ने करके फिर ये कू हो गया जब कू हो गया तो ही टू कवर अब उसके पास क्या ऑप्शन थे एक तो ये कह नहीं सकता था कि चलो जी अब दोस्ती होगी पंद्रह दिन बाद अब आप फिर आ जाओ वापस एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं उसने किया जब वो उस कुर्सी पे बैठा तो आई एम श्योर मैं तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना आपने पिछले किसी उसमें पॉडकास्ट में मुझे जवाब भी दी कि अल्लाह करे आप बन जाएं या बनेंगे तो क्या करेंगे वो सुना है वैन यू आर दी हेड ऑफ़ द स्टेट तो मज़े बड़े होते हैं चश बड़ी आती है लोशे बड़े होते हैं तो आप मुंह से कोई चीज़ निकालते नहीं मुंह से क्या आप सोच रहे होते हैं तो वो जो आपके एड्स होते हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं और कहते हैं सर व्हाट अ वंडरफुल आइडिया मतलब आपने ये सोचा सर क्या बात है तकदीर बदल गई मुल्क की फौज की सारा कुछ ठीक हो गया तो वो जब एक दफ़ा आ गया हेलमोफाफेज पे फिर ही हैड इज़ ओन रीजन टू अंडरस्टैंड के ये वाई डू थिंक नवाज शरीफ ने इस तरीके से ये आ, इसको निकालने की कोशिश की ये अलैबरेट और अजीब सी स्कीम उसने क्यों हैच की देखा जी जहाँ तक बात है ना कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस तरीके से क्यों किया जब उन्होंने जनरल जहांगीर कर को सैक किया ना तो जन जहांगीर अ जेंटलमैन बहुत नफीस आदमी शरीफ आदमी थे तो वो बिल्कुल खामोशी से घर चले गए कोई रजिस्टेंस नहीं कोई शोर नहीं कोई शराबा नहीं कोई किराए नहीं ये वो आगे पीछे तो वो चले गए अब जब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया इनका नवाज शरीफ साहब का तो ही थाट कि मैं इस जनरल को भी इसी तरीके से घर भेज दूँगा और ये मुल्क से बाहर होगा न्या लगा दूँगा न्या खुद ही इसको पाकिस्तान आने पे अरेस्ट कर लेगा या पकड़ लेगा या कुछ चार्ज बना देगा वॉटैवर लेकिन थर्ड प्रोसेस तो था, था नहीं ना आप जितने काम देखें तो उनके दौर के तो उसमें यही होता है कि सोच जो है वो बाद में आती है या मकासद कुछ और होते हैं दिखने में कुछ और होते हैं तो यही काम उन्होंने यहाँ पर भी करने की कोशिश की जो मैं समझता हूँ बहुत ही बेवकूफ़ाना और जहलाना एक्ट था उनके पार्ट पे कि ये काम करना किस तरीके से एक सिटिंग आर्मी चीफ को सैक करना अब मज़े की बात यह है कि या तो ना उस चीफ़ के लिए कोई फौज में लिल हो या कोई नफरत हो या कोई लोग बुरा चाह रहे हों या उसने कोई ऐसा बुरा काम किया हो फौज के हक़ में ये वो पाकिस्तानी फ़ौज एक मुसलमान फ़ौज है जिनका जिन जो मेजॉरिटी लोग उसमें आते ही जज्बा जिहाद के लिए और शहीद हो के वो तो खुश होते हैं कि जनाब हमारा सारा मसला ही हल हो गया ज़िंदगी का लोग पचास साल नमाज़ें पढ़ के रोज़े रख के अच्छे काम करके जन्नत में जाएंगे हमने तो जवानी में शहादत पा ली हम तो जन्नत ही गए तो वो 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 बिलीफ ही उनकी और है तो वो तो दे लव द चीफ एंड ही वाज फॉन्ड ऑफ वॉर्स ही वाज अ फाइटर ही वाज अ टफ़ गाय दिलेर दबंग आदमी था तो उनको तो कोईिल थी ही नहीं उसके साथ तो उन्होंने कैसे आदमी को हटाने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि वो आ, बड़ा इट इज़ वेरी अनवाइज़ वो फेमस जितने पोलिटिकल एड्स थे सारे ज़ाहिर है अकेले उनका फ़ैसला नहीं था चार छः आठ दस लोगों की मुशावरत थी और आ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जनरल ज़ियाउद्दीन क्या सोच रहे थे हालांकि मै आई टोल्ड अ वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि और, और हेरी थाट की इपुलट थ्रू वो कर लेंगे इस तरीके से सवारी पैदा नहीं होता तो इट वज़ वेरी इल प्लान्ड वेरी इल प्लान्ड उसके बाद वन मुशरफाइनली लैंडेड तो इन्होंने हिस्टोरिकली अब हमें पता है क्या हुआ उन्होंने ओवर थ्रो कर दिया और वो हो गया गवर्नमेंट का और द मिलिट्री केम इन टू पावर मार्शल लॉ लग गया तो आपको लगता है कि ये फिर डिसीजन ठीक थी इनकी आ, टू ओवर थ्रो द गमेंट एंड देन टू कम इन टू पावर हमसेल्फ़ और वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवा के जुने पूरी मूव की मनूवर्स किए प्रजिडेंसी में देखो बंदा सोचता है कि इतना बड़ा काम मैंने अगर किया है या मेरी खातिर मेरी एब्सेंस में मेरी टीम ने यह काम किया है तो फिर वो सोचता है नहीं है कि भाई फिर जॉयराइट भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना मैं ये ना करूँ कि प्रेजिडेंट यू टेक ओवर तुम इलेक्शन कराओ या ये करो या वो करो जब पहुँच ही गया हूँ वैन आई एम इन टू द पी एम हाउस और द प्रेजिडेंट हाउस और दी हाउस आई आई एम दी अल्टीमेट पावर इन दिस कंट्री तो फिर ठीक है फिर लेट्स गोइन फॉर इट और फिर एक और चीज़ होती है हम आज बात करते हैं नून लीग की करप्शन की जो सारे केसेस हैं हर चीज़ हम देखते हैं तो उस वक्त भी तो ये सामने आई होंगी ना उनके गवर्नमेंट के तो वो मेरा ख्याल है देवर गुड एंडफ़ रीजंस फॉर एनी बडी टू सेक दैट गवर्नमेंट और स्टार्ट फ्रेश और डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करें तो वो ही फॉर इट एंड नवाज शरीफ का क्या हुआ था नवाज शरीफ आई थिंक दुबई एग्जाइल हो गया था इस टाइम दुबई नहीं, नहीं एग्जाइल हो गया था एक्चुअली ये था कि इनके बहुत अच्छे तल्लत थे सऊदी अरेबिया सऊदी हाँ से दे केम फॉर रेस्क्यू और उन्होंने बाकायदा अपना जहाज़ भेजा ये तल्लत आप सर एक्सप्लन कर सकते हैं कि क्या अट्रेक्शन होती है यहाँ पे देखो ये जो ताल्लुक होते हैं ना ये बड़े लेवल पे बनते हैं मुल्कों के लेवल पे बनते हैं और बड़े बड़े नेक्सेस होते हैं और ये सारों ने अपने अपने विदड्रा करने की शुरू में पीछे हटने के रास्ते रखे होते हैं देखो नवाज शरीफ को गरीब भूखा नंगा फ़कीर तो था नहीं इतने साल चीफ मिनिस्टर रहा फिर प्राइम मिनिस्टर बना सारे कॉन्टेक्ट थे वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान के साथ ना हमेशा जो अरब वर्ल्ड है वो अच्छे तल्लक रखने की कोशिश करती है करीबी रखने की कोशिश करती है आप देखें एक ज़माने में हमारी फौज भी वहाँ पे होती थी तो वो हमें बड़ी रिस्पेक्ट निकाह से देखते हैं एंड वी आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर तो वो दे ट्राई टू रिमेन क्लोज़ टू अस तो उसमें ताल्लुक़ अच्छे होते हैं इस्लाम दुआ होती है और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी अपना कोई फलसफा और कोई थेरी नहीं है तो वहाँ कोई नेबरिंग कंट्री आगे कह दे कि जनाब इस बंदे को छोड़ दें इसको दे दें तो हालांकि भुट्टों के लिए बड़ी सिफारिशें थी लीबिया की और, और जगहों से भी जिया उलख बाज पाँच जन इंच बिकॉज जिया न्यू अगर भुट्टो को आज छोड़ दिया और भुट्टो बाहर चला गया तो फिर मेरी खैर नहीं। दैन आदर इट इज़ हिज थ्रोट और माई थ्रोट तो वो इवेंट फॉर हिज थ्रोट और वो आज मतलब सबसे बड़ा मज्क् खेज केस है हमारी लीगल आ, हिस्ट्री का पाकिस्तान की कि वो कहते हैं जी कि इट वॉज अ जुडिशल मर्डर जो भुट्टो साहब को फांसी हुई यहाँ ऐसे ही हैं तो उसी तरीके से ये आगे मुशर्रफ़ साहब ने रिवेलीट करा लिया अपना टेन्योर कि जी ठीक एक्ट है उसको पास करा लिया उन्होंने जजेस को कहा कि दोबारा ओथ लो जिन्होंने नहीं लिया वो सैक हो गए जिन्होंने ले लिया वो ओथ दोबारा दिलवाने का क्या मकसद था सर मतलब नए आप नई ओथ लो के भाई आई रिमेन लॉयल टू आस और उस तरीके से ओसो मुशरफ जब आ, ने इस टाइम पे आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स की थी जी और उनका क्या मकसद था सर ये यही था अपने ट्रेनियर को सिक्योर करना और उसको रूल आउट करना वो तो बहुत लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने नाल इन्वाइट कर दिया उसको कि वो जो उसने एडिशन और की थी वो गलत हैं और इसको ऐसे नहीं ऐसे देखा जाएगा जी काफ़ी लेटर ऑन आई थिंक वो लेटर ऑन के ऊपर केसेस बन गए भूटों के ऊपर वोटों के ऊपर दो केसेस बन गए ना एक आर्टिकल सिक्स लग गया कि वह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया है और दूसरा उनके ऊपर कहा कि बेनजीर की सैसिनेशन का जी मुशरफ़ साहब के ऊपर मुशरफ़ साहब के ऊपर सॉरी मुशरफ़ साहब के ऊपर तो वो सफर्ड बिकॉज ऑफ़ दैट आखिरी दिनों में देखो आप वो मुल्क में वापस नहीं आ सके यहाँ से भी हेस्ट में उनको कट सी जनरल राहल शरीफ उन्होंने ही उनको यहाँ से निकलवाया एग्जिट दिलवाया कि ठीक है आप बात चले जाएँ वहाँ रहें He was by, by the courts, हर जगह से उनकी आए दिन पे, पेशियाँ हो रही थी डू यू थिंक आई थिंक आउट ऑफ ऑल लीडर्स अगर आप देखें यानी कि इफ़ फॉर एग्जाम्पल जरदारी को आज एग्जाइल कर दिया जाए और उस पर आर्टिकल सिक्स लगा दिया जाए वायल वो यू के में है आई डोंट थिंक उसको इतना फ़र्क पड़ेगा जरदारी साहब को नहीं पड़ेगा इसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान का जो कानून है वह है कि आप किसी का ट्रायल ही नहीं कर सकते नहीं बट मैं बात कर रहा हूँ एक इमोशनल लेवल पे आपको लगता है कि आई थिंक मुशरफ साहब के लिए दिस मस्ट टू बिन हर्टफुल यस 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 बिकॉज वो तो एक ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं थे ना कि वही आना है और ये ये करने हैं दो नंबरियाँ करनी है और निकल जाना है और फिर दाव लगना है तो फिर वापस आ जाना है फिर दाऊ लगना है तो फिर वापस आज ही वॉज कट एंड ट्रेंड एंड उनका ब्रॉटअप डिफरेंट था डिफरेंट था ही फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर जिसने बंदे ने चालीस साल यूनिफॉर्म पहनी हो तो वो डिफरेंट बिलीव्स होती हैं मतलब उस बंदे को आप गद्दार कहने लग जाओ मतलब जो कारगिल के ऊपर भी जाके इंडियन टेरिटरी पे एज आर्मी चीफ चंद घंटे स्पेंड करके आया हो कि भाई हाउ डज़ इट फील हाउ डज़ इट लुक या ग्राउंड रियलिटी क्या है तो उस तरह के बंदे को आप कह दें बस हमारे यहाँ फिर वो होता है ना कि हम हर चीज़ को अपने पोटिकलर अजाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है मुशरफ साहब से भी बहुत गलतियाँ हुई बहुत गलतियाँ हुई लेकिन आप जो सूरत हाल होती है इसका कोई डिसीजन तो लेना होता है ना आपने राधर दैन नॉट टेकिंग ए डिसीजन तो वो उनके गले पड़ गई जिस तरह जामा हफ्वा वाला वाक्य है जी वो उनकी प्रेजिडें उस पर आने से पहले वैसे जो पहले इनके कुछ चंद साल थे प्रेजिडेंसी के वो डिस्कस कर लेते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में वो कैसे थे जी बड़ी टमेंडस ग्रोथ थी जी ऑलमोस्ट सेवन तक चली गई थी और पुरस्कून काम था कोई ऐसा इशू नहीं था मुल्क के अंदर और ये ठीक नॉर्मली गवर्नमेंट जा रही थी डेवलपमेंट हो रही थी ग्रोथ हो रही थी मतलब अगर आप देखें पंजाब की जितनी ग्रोथ है जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर परवेज परवेजिलाई साहब थे आपके जितने इदारे थे वो डेवलप किए एजुकेशन में बड़ा काम हुआ था हेल्थ में बड़ा काम हुआ था और रेस्क्यू वन वन टू टू एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा जो आज तक कायम है उसकी इतनी मजबूत बुनियाद रखी गई उस दौर में तो सारा उसी टन के अंदर था तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो विच वेंट अगेंस्ट हिम जिसके वजह से खामोशी चलती जा रही थी लेकिन चूंकि उधर अक्रॉस द बॉर्डर अफग़ानिस्तान में प्रॉब्लम थी ट्राइबल एरिया में ट्रबल थी तो वो चीज़ें जो हैं वो अच्छा ये दिस वाज एक अजीब सी बात थी कि 99 नाएं में कु हुआ तो विदिन टू ईर्स दो हज़ार एक में ये नाइन का जो पूरा मामला था वो हुआ जी Which changed the world forever. forever. all together. अब उसमें बड़ा एक मशहूर वाक़ है जो मुशरफ साहब ने अपनी बुक में लिखा हुआ के, है कि उनको कॉल आई फ्राम दू एस और डिफरेंट यानी कि इसके रिटेलिंग्स हैं मगर अकॉर्डिंग टू हिम जो कॉल थी उस पर उनको बताया गया कि यू आर इधर विद अस और अगेंस्ट अस वरना वी विल बॉम यू इन टू द स्टोन जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं और उसके बाद ऑफ़ कोर्स मुशर साहब जो हैं उन्होंने अमेरिका के साथ जो वॉर ऑन टेरर था थी उसका वो पाकिस्तान हिस्सा बना ऑफिशियली एंड आई थिंक उनकी जो उनका पूरा टेनियर है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म प्रॉब्ली इसी चीज़ के लिए मिलता है तो आपको क्या लगता है वॉर ऑन टेरर किस तरीके उन्होंने सही तरीके से हैंडल किया अमेरिका को आई थिंक हैंडलिंग जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी मतलब ये एक बहस सेपरेट है कि जी वो कॉल आई थी या नहीं आई थी और इतना बड़ा फ़ैसला इतना बड़ा फ़ैसला इतना बड़ा फैसला कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल होगी पाकिस्तान के बेसिस इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयर करेगा पाकिस्तान ग्राउंड एक्सेस देगा पाकिस्तान तालिबान से ताल्लक़ तोड़ेगा पाकिस्तान साथ ट्रेड बंद करेगा उनकी हेल्प बंद करेगा सारी चीज़ें करने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए ना कोई सॉलिड इट कांट भी कि रात को उठे सुबह उनको होश नहीं थी तो उन्होंने ये फैसला कर दिया और कर दिया डेफिनेटली और फौज में जो फैसला होता है वो ऐसे नहीं होता कि चीफ को एक सुबह ब्रेनवेव आती है और वो कर देते हैं पूरी कोर कमांडरस कॉन्फ्रेंस होती है ड्यू ड्यूटेलिजेंस होती है उस पर वो करके मेरा ये ख्याल है कि दे वर्किंग ऑन दिनोलॉजी कि जब रशियन इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान की तो हमने अमेरिका को साइड किया और अमेरिका की हेल्प से फाइनेंसिंग से जो वेपन्स उन्होंने दिए हमने मुजाहिदीन ट्रेन किए एंड वी फॉट बैक दी रशियंस और हुआ तो प्रॉब्ली शायद उनके जहन में ये डॉक्ट्रिन भी थी कि दोबारा अमेरिकन को हेल्प सपोर्ट करो तो शायद हम कॉज को हर्ट कर लेंगे मुशर्रफ ने ना आई थिंक इसको ही शुड अगर उसने ये डिसीजन लेना था कि हमें अमेरिका को सपोर्ट करना है और पाकिस्तान की असिस्टेंस देनी है तो उसकी कीमत उसको ठीक लेनी चाहिए थी उनसे और मेरा ये ख्याल है कि वो ये फैसला करता कि वो ये असिस्टेंस ना प्रोवाइड करता दैट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर वो आज हम बैठ के बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता और इस तरह होता ये होता देखो ना ये तो आज इमरान ख़ान की शुरू में एक ऐसा लीडर है कि जिसने जाके इस तरह टका के बात की है वरना इससे पहले कभी किसी ने की ही नहीं है हमारी उसमें नहीं है हिस्ट्री में या हमारी यादाश के अंदर कोई ऐसा लीडर मिला हो तो अब हमें लगता है कि हाँ ऐसे भी हो सकते हैं फ़िकारली भुटो इस कैटेगरी में नहीं आता आई डोंट थिंक सो आई डों रंग बाज़ ज़्यादा थे मतलब जो वो उन्होंने यू एन में वो कागज़ फाड़े यू नो you know, वाकआउट किया वो उसमें सारा इट वॉज़ अ ड्रामा सिर्फ अपने आप को पावर में रखने के लिए पावर में आने के लिए देखो ठीक जितने बंगालीज़ पाकिस्तान के साथ लॉयल थे ना ईस्ट पाकिस्तान वाले मेरा ख्याल है उतना हम वेस्ट पाकिस्तान वाले नहीं थे बिफोर सेवेंटी सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट तक आपको कोई शवाहिद नहीं मिलेंगे यार मुजीबर रहमान वॉज़ फाउंडर ऑफ फातमा जना उनके फ़लसफे के उनका मेरा ख्याल है चीफ हेड ऑफ़ दर कैम्पेन हर कैंपेन इन ईस्ट पाकिस्तान तो वो वो उस तरीके से आप नहीं उन पर इल्ज़ाम लगा सकते नहीं सर नहीं ख़ुद यहाँ से वेस्ट से हालात ऐसे क्रिएट हुए सरकमस्टांसिस ऐसे क्रिएट हुए कि वो दूरी डाली गई उनके साथ एंड भुटो ज ओनली ट्रस्टेड कि उसको पावर मिल जाए चाहे आधे पाकिस्तान की मिले वो मिल जाए वो मिल We वो बादशाह मिल जाए फॉर इट और वो ढाका फॉल हो गया और इस पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया वो उन कैटेगरी में उसमें नहीं आता भुट्टो है so, uh, इमरान खान फिर उस कैटेगरी में आता है ऑफ uh, अगर हम सेंसेरिटी की बात करें विद द नेशन देखो सिंसियर ये सारे ही थे अपनी अपनी जगह इन्होंने कोशिश की कुछ अच्छा करने की बट सिंसियरिटी की भी डायमेंशन और एंगल्स होते हैं अब देखो नवाज शरीफ की सिंसियरिटी में ये है कि मैं मोटरवेज़ बनाऊँ डैम्स बनाऊँ सारे लेकिन उनका ट्वेंटी परसेंट मुझे मिलना चाहिए अब देखो डैम्स बनाना मोटरवेज बनाना बहुत अच्छी बात है ज़बरदस्त बात है लीडरशिप चाहिए होती है उसके लिए बड़े डिसीजन चाहिए होते हैं आपने कर्जे लेने होते हैं आपने वापस करने होते हैं सब कुछ लेकिन साथ ये सिंसियरिटी का वो एंगल के जनाब बीस परसेंट मुझे मिलना चाहिए बिकॉज ही सो कि ठीक है सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए मज़दूरी मेरी भी होनी चाहिए मेरे इमरान में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई पकड़ी नहीं जा सकी अभी तक जो कुछ हम उसकी एम्बेजलमेंट पकड़ हैं ना शोर मचा मचा के मचा मचा के कुरेद कुरेद के खरज खरूच के वो निकली वही है वो घड़ी जो उसने एमगेस की बेच दी है और वो भी कभी कोई हिस्ट्री में पता लगेगा कोई उसको क्या माली ज़रूरत थी उसको क्या चीज़ें चाहिए थी तो बेची बाकी देखें जी उसके करीब रहने वालों ने की हो वो भी अभी तक प्रूव कुछ नहीं हुआ है हम कह सकते हैं कि जी बुज़दार साहब ने की या वो जो ख़ातून है फरा उन्होंने की या उनके मियाँ ने की या उनकी बेगम साहबा के एक्स फैमिली मेम्बर्स ने की वो सारी प्रूव होनी है वक्त के साथ तो उस पर हम इमरान पे ब्लेम नहीं कर सकते आई थिंक हाँ उसकी नेगलिजेंस आप कह सकते हो उसकी नलैक् आप कह सकते हो कि वो मैनेज नहीं कर सका चीज़ें अपने इर्द गिर्द तो क्योंकि जो एक अच्छा ईमानदार ऑनेस्ट लीडर होता है तो वो तो बड़ा हार्ड टास्क मास्टर होता है अपनी फैमिली के लिए उनके लिए भी उसकी वही यार्ड स्टिक होती है जो अपनी ज़ात के लिए उन पर भी वो पाबंदियाँ लगाता है जी एज मेन क्रिटिसिज्म प्रॉब्लम इमरान खान का यही बनता है कि उसकी मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट आ गया इन टू पावर अब देखो मैनेजमेंट उसने कहा फरिश्तों से तो नहीं करवानी थी ना रोजोल्ला मैनेजमेंट इन्हीं ब्यूरोट से इन्हीं पोलिटिकल टीम से इन्हीं मुल्क के लोगों से इन्हीं मुलाजमी से करानी थी जो इतने सालों से आ दी है हर चीज़ को मिसमैनेज करने के तो ही ट्राई टू डू देखो ना बस्तन उसका यह अमल आप देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या बिलावल साहब या जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे मैं ख्याल जरदारी साहब के एज प्रेसिडेंट दुबई के को पचास या सौ या डेढ़ सौ फेरे सरकारी जहाज प्रोटोकॉल एंड ऑल दैट वो जाते थे अच्छा बात शुरू हुई कि कोई लीडर नहीं है जो अमेरिका को आँखों में आंख डाल के उनसे बात करें आ, और मुशरफ की बात कर रहे थे तो आई डोंट थिंक सो कि वो उसमें ना और दूसरा एक और होती है हमारी जो फौज है ना वो चलती है अमेरिकन एड अमेरिकन वेपन अमेरिकन सिस्टम्स के ऊपर आप देख रहे हो ना एयरफोर्स में सारे ये तो अब पिछले पाँच दस साल की डेवलपमेंट है ना सारे हमारे कोर्सेज कर अमेरिका जाते हैं सारे जनरल ऑफिसर्स एडवांस को लायक होते हैं तो वो अमेरिका जाते हैं सारे तो वो उनका जहन पहले ही प्रो अमेरिका होता है मतलब कोई ऐसी कोई इंडिपेंडेंट थाट नहीं होती एंड मुशरफ के अच्छा Uh, परवेज़ मशरफ के में बल्कि खास तौर पर कहा जाता है कि ही वॉज़ वो जो पूरा उसका एक आ, उनका निक नेम काउबॉय होता था आर्मी में बिकॉज ही वॉज़ फाउंड ऑफ ये वेस्टर्न क्लोदिंग और वेस्टर्न म्यूजिक वो शौक से सुनते थे एंड फिर जब वो आए तो उनका ये एक फ़लसफ़ा भी था इनलाइट मॉडर्निज़म का कि मॉड्रेशन का moderation का कि जनाब मॉडर्ट इस्लाम हमें और ये फंडामेंटलिस्ट इस्लाम जो है उसको नहीं फॉलो करना चाहिए तो ये जो उनकी इमेज है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जो एक बहुत लिबरल लीनिंग प्रेसिडेंट इनको समझा जाता है मेरा ख्याल है उनकी अगर वो थी भी नहीं तो उन्होंने वो थोपने की कोशिश नहीं की फ़ौज में या मुल्क के अंदर या उस तरीके से आप देखें क्योंकि टेक्नोलॉजी उस ज़माने में इंट्रोड्यूस हो गई थी तो टैक की वजह से सारों को पता है वेस्ट में क्या हो रहा है पहले हमें पता होता था ना कि वेस्ट में खौन होती हैं जो गोरी होती हैं जो बीचिस पे जाती हैं और कम कपड़े पहनती हैं पता होता था अब तो मेरा ख़्याल है वहाँ वो कपड़े बाद में उतारना शुरू करती हैं तो पता है यहाँ पहले लग जाता है वो हम देख लेते हैं उसको कोई सेलिब्रिटी है कोई किसी तरीके का है तो वो इतनी मॉडर्नाइजेशन आ चुकी थी माशरे के अंदर और फैल रही थी वेदर ही लाइक इट और डिट लाइक इट ना वो उसको बढ़ा सकता था ना वो उसको कम कर सकता था बिकॉज आप देखो ना ईरान में क्या हो रहा है वो जबर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हेडस्कार पहनेंगे आप बाहर नहीं निकलेंगे आप फेस कवर करेंगे तो उसके रिएक्शंस भी आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान में भी फिर इसी किस्म की चीज़ें आनी थी सामने होनी थी बट वन वे आर दर यानी कि चीज़ें हमने देखी फिर भी हुई जब उन्होंने रिलीजेंस अपना अमरीका के साथ डाला तो उसके बाद काफ़ी ज्यादा इंस्टेबिलिटी इंसर्जेंसी यहाँ पे लाहौर में मुझे याद है बचपन में हमारे स्कूल के बाहर वो जी, नेवल कॉलेज था नेवल कॉलेज है वहाँ पे धमाके हुए कहाँ कहाँ नहीं धमाके यानी कि उस टाइम पे तो आम था, था कि लाहौर मॉडल टाउन रीगल चौक हर, तरफ। हर तरफ हो रहे थे। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है कि मुशरफ़ के शोल्डर्स पे है फॉर दिस पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी और ये जो सारी एक इंसर्जेंसी हमारे मुल्क के अंदर हुई डेफिनेटली डिसीजन तो उसका था अमेरिका को सपोर्ट करना तो जितनी बैक आई वो उन्हीं को उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट जाएगा लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके पास ऑप्शंस क्या थे उस वक्त कि वो क्या कर सकता था आई थिंक देखें ये तो हमने डेफिनेटली तय कर लिया कि ऑप्शन नहीं थी हमारे पास हम थे, हाँ, नहीं एट लीस्ट वो उसकी कॉस्ट अच्छी ले लेता उसकी कीमत अच्छी ले, ले लेता अपने लोन्स माफ़ करा लेता कुछ और कर लेता और बेहतरी की तरफ हम चले जाते लेकिन वो सारा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान ब्लड हमारी लोग भी जाया हुए हमारा कारोबारी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ और लास्ट नॉट द लीस्ट हमें क्रेडिट भी नहीं मिला उसका जी भी अगर भी आप देखें मतलब आज अमेरिका की किसी कंसिडरेशन में नहीं है उसके साथ साथ एक कांस्टेंट uh, जो अमेरिका की तरफ से ये एक इल्ज़ाम था पाकिस्तान पे कि ऑन द वन हैंड आप लोग कहते हैं कि आप एंटी टेररिज्म है कोट अन कोट। और मेन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि आपने तालिबान को नहीं सपोर्ट करना और जो तालिबान रिलेटेड ये ग्रुप्स हैं इनकी आपने सपोर्ट रोक देनी है बट ऑन दी अदर हैंड ये कहते थे कि आप लोग जो हैं ये ऑन द डाउन लो अंडर द टेबल आप इन मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ तल्लत भी आपने बनाए हुए हैं और आप इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस तरह के जमात थे तो डू यू थिंक कि मुशरफ साथ ये डबल रोल प्ले कर रहा था देखो एक पाकिस्तान की जो वॉर में इन्वॉलमेंट थी ना वो अमेरिका अमेरिका से बैठ के करवा रहा था लेकिन यहाँ एक्चुअली फेस तो पाकिस्तान ने करना था ना ग्राउंड रियलिटी देखनी थी तो उन्होंने अब वो फंस गए वो कहते हैं न जाए रफ्तन ना पाए मानन ना आप आगे जा सकते ना पीछे आ सकते हैं पाकिस्तान इसे निकल भी नहीं सकता था तो द बेस्ट दे को डू वॉज़ कि वो नीचे से ताल्लक़ ठीक रखें कि कुछ चीज़ें कोई बैक लैश कुछ तो मैनेज करें या उस बै बैक लैश को फाइट बैक करने के लिए कोई बीच में बफर क्रिएट करें कि भाई अगर वहाँ छः तनजीमें हैं तो दो या तीन हमारे साथ हैं तो कम अज़ कम वो उनको वहाँ न्यूटलाइज़ करें या उनको रोकें या उनको चेकमेट दें कि नहीं तुमने पाकिस्तान की तरफ नहीं आना या कम आना है या लेट आना है या कोई चीज़ करनी है बिल्कुल ही अगर हम अमेरिका के पर कर्म पर छोड़ देते तो पाकिस्तान भी सारा ख़त्म हो जाता अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ना था और हमें तो हमेशा ही वो ख़त्म करने के दर पे होते हैं चक्कर में होते हैं जब से हमारा ये एटम बम बन गया तो उनको तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की इंडिया भी बहुत वावेला करता है अच्छा पहले जो उसके कुछ ईयर्स ऑफ प्रेजिडेंसी थे जनरली दे आर लुकड फ्रांडली अपॉन यानी कि वहाँ उस टाइम 60 टू 63 के बीच में आपका डॉलर था उससे ऊपर नहीं गया पिछले तीस सालों की हाईएस्ट इकनॉमिक ग्रोथ थी जी डी पी बहुत जल्द अपेरेंटली उस टाइम पर उसने मीडिया को काफ़ी फ्री किया ये भी उसके बारे में काफ़ी कहा जाता है कि बहुत प्रो फ्रीडम ऑफ स्पीच था काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया फिल्म हाउसेज और इंडस्ट्री और इन सारी चीज़ों को टूवर्ड द लेटर हाफ ऑफ हिज करियर चीज़ें थोड़ी फॉलो पार्ट करना शुरू हो गई पहला एक इंसिडेंट ये लाल मस्जिद वाला बड़ा मशहूर इंसिडेंट है जिसमें ये एक मदरसा था उन्होंने नाफिज है और वो दूंग के इस्लामाबाद के अंदर जो कि मसाज पार्लर खुले थे वहाँ जाके हमला करना लोगों को पकड़ लेना और वीडियो शॉप्स को पकड़ लेना कि जिन उन पर पोन मूवीज़ होती हैं जी वो लोगों को पकड़ के उधर कर लेना उसमें वो जामा हफ्सा के नाम से उनका बच्चियों के लिए मदरसा था तो वो बच्चियाँ भी बड़ी एक्टिव थी वो डंडा बर्दार फोर्स थी ये वो तो जब उनसे मुजाक किए वो इंकारी हो गए फिर मेरा ख्याल है कोई लास्ट वाक़ हुआ विच वॉज़ जलती पे तेल का काम था कि उन्होंने कोई कुछ दुकानदार या कोई चाइनीज़ हैद पकड़ ली गालबन और उनको नहीं छोड़ रहे थे तो उसके लिए फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ गई फ़ौज भी आ गई काफ़ी दिन मुजाक चले थ्रू एजाजो कैचो शिजात हुसैन बट वो नहीं माने और उन्होंने कहा जी हम ये करेंगे करेंगे और ये इसी तरह होगा और सब कुछ तो इसमें फिर जब उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की और टेक ओवर करने की कोशिश की तो उसमें कोई काफ़ी सारी कैजुलटीज़ हो गई बच्चे बचियाँ मर गए जैसे फौज का एक करन भी शहीद हो गया और और भी बड़े लोग जो है उनके जीत जाने काम आई लेकिन वो उसका नतीजा जो निकला वो सारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया और वो सारी चीज़ें आई मीन डेफिनेटली गवर्नमेंट की फेलिंग थी कि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल ने इस तरह का इदारा बना कैसे बना तो फला फूला कैसे और उसके बाद कैसे वो एक हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट की रिट को ही चैलेंज कर दिया और उन्होंने अपने कवानी अपने तरीक़ाकार से ऑपरेट करना शुरू किया वो मतलब है कि पॉसिबल नहीं था उसके करने के लिए तो जब आप इस तरह का काम करते हो तो बैकलैश तो आती ही या फिर हर रूज को जवाल होता है मतलब ही हैड स्मूथ सेलिंग फाइन इज ऑल राइट सो देन थिंग्स स्टार्टेड गोइंग डाउन तो जामा अफ्सा या लाल मस्जिद वाला वाक़ वन ऑफ दम दैट वॉज आई थिंक उसकी डिक्लाइन की वो शुरुआत उससे उधर से सही महीनों में हुई फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद उसने जब ख़बर आई कि जो चीफ जस्टिस है इज़ अबाउट द्रो इज गुट इज एग्जिस्टेंस इन टू जेपडी तो इस पर उसने आपको लगता है यहाँ तक जाके आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि थोड़ी जो वो पावर की एक पोजीशन होती है कुर्सी की उसकी जो करप्शन करप्टिंग इन्फ्लुएंस होता स्कुराप, है आपके माइंड को डेफिनेटली करती है डेफिनेटली करती है मेरी एक दफ़ा एक बहुत बड़े सीनियर बंदे से बात हुई एट दी हेल्प ऑफ अफेयर्स वंस तो मैंने कहा जी क्या होता है कि जब आप पैंतीस साल के होते हैं चालीस के होते हैं यूर सो ब्राइट आपको इतनी नॉलेज विजडम होती है आप में लीडरशिप होती है आप समुदारणा फ़ैसले करते हैं जब आप पचपन साठ के होते हैं पीक पे पहुंचते हैं अपने इदारे के तो उनका बात यह है कि जब हम यंगर लेवल पे होते हैं ना हम खुद फैसले कर रहे होते हैं तो अपना दिमाग अप्लाई कर रहे होते हैं जब हम टॉप पर चले जाते हैं तो एड्स होते हैं हमारे एड के दैन वी स्टार्ट टू सी दर्ल्ड थ्रू दैम इमरान तकरीर करते होंगे या नवाज शरीफ साहब करते थे या बिलावल साहब या भुटो साहबा बेनज़ीर वोटो करती थी जो एड्स थे उनके साथ वो उनको बताते थे कि मैडम ये जो आज आपने कह दिया है मियाँ सर मेरा फरमा देता है बदल गई तकदीर पाकिस्तान की सर लोग दवाव दे रहे हैं तुम तो नहीं पता ना असल्ड के बंदे हाँ तो मस्जिद ही सर दुनिया बैठी तो कह रहे हैं बस य जो कुछ है बस मियाँ का भला कर दे तो वो इस तरह के इंप्रेशन जो 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 ये खुश आमदी होते हैं जो दरबारी होते हैं साथ और वो इस तरह के आप इंप्रेशन देते हैं तो फिर आपका जहन मऊफ़ हो जाता है फिर यू स्टार्ट टू थिंक लाइक दैट इफ़ यू टेल मी एवरी मॉर्निंग सर आप बहुत हैंडसम हैं एंड यू वेरी स्मार्ट इस्पेक्टिव ऑफ़ द काइंड ऑफ वेट आई हैव एंड द लुक्स आई हैव आई एम नॉट स्मार्ट और गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव माइट से सर यू यूट तो ठीक है नहीं आप आप बिल्कुल मुझे रोज़ कहना शुरू करो आप बहुत खूबसूरत हैं थैंक यू वेरी मच आप रोज कहना शुरू करो एंड यू कीप ऑन डूइंग इट फॉर यू नो वट अबाउट सिक्स मंथ्स तो आई स्टार्ट थिंक यार ठीक कह रहे हैं मतलब टॉम क्रूज और मेरे में को थोड़ा सा फ़र्क है तो वो इस तरह लोग सोचना शुरू कर देते हैं इंसान है ना इंसान 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 को अल्लाह ने अश्कुलमखलूक़ात बनाया है लेकिन उसके अंदर कमज़ोरियाँ भी हैं कोताहियाँ भी हैं ये सारी फॉल्ट उसके अंदर हैं खुश आमद पसंद हर इंसान होता है बहुत कम लोग थे पैगम्बर थे नबी थे जो इस चीज़ से अभाव थे लेकिन डेफिनेटली इंसान डिसीव होता है और शैतान बैठा होता है बहकाने के लिए गलत मश्रे देने के लिए मतलब आप कुछ मिस्टेक्स देखो तो आपकी हंसी छूट जाएगी लाइक अगर फॉर इंस्टेंस डिस्कशन से कम कहते हैं जो ऑडियो लीक्स हैं इमरान की वो सही हैं थोड़ी देर के लिए हम डिस्कशन से करें तो यार आपकी हंसी नहीं छूट जाएगी कि ये तुम इतने बेवकूफ़ आदमी हो कि तुम टेलीफोन के ऊपर इस तरह की लूज टॉक कर रहे हो वो आइल होल्डिंग ऑफिस आयल होल्डिंग ऑफिस और यून नाट होल्डिंग ऑफिस यार यू आर अ हार्ट थ्रॉब आपको दो करोड़ चार करोड़ बंदा देखता है सुनता है समझता है आपको फॉलो कर रहा है तो मतलब वो इसी तरीके से होता है कि इंसान गलतियाँ करता है वो एक पंजाबी की कहावत है कि रब ताला डांगा नाल नहीं मारता पुठी मत दे के मारता है तो वो डेफिनेटली फिर आपसे गलत काम हो जाते हैं गलत फ़ैसले हो जाते हैं गलत चीज़ें हो जाती हैं तो मुशरफ एक इंसान था लाल मस्जिद वाला शायद और बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था कि अगर वो लोग अंदर महासरे में तो उनका आप बंद कर दो दाना पानी राशन बंद कर दो बिजली काट दो उनकी पानी से फ्लड कर दो तो क्या कहाँ जाएंगे बच्चे बचियाँ हैं ना पंद्रह साल अठारह साल बाईस साल मोटिवेटेड चार्ज रिलीजियसली मोटिवेटेड वो तो जज्बे में आए हुए हैं तो दस दिन बीस दिन में ठंडा हो जाएगा ये पच्चीस दिन राशन नहीं मिला तो ये एक बाहर का कोई प्रीस्ट है वो यूस टाइम के हजरत ईसा ने कोई छः चालीस दिन का रोज़ा रखा था बकौल उनके कुछ खाया ना कुछ पिया वो करने की कोशिश कर रहा था पच्चीसवें दिन उसकी हालत तो गैर होगी यू टेकन टेक हॉस्पिटल आई थिंक थाए था, था। यू उज़ टेक दॉस्पिटल यू इज़ अ डाइट तो बीस पच्चीस दिन में बंदा ख़त्म हो जाता है बीस पच्चीस दिन हासरा कर लेते क्या ज़रूरत क्या थी उसको टेक ओवर करने की उसमें हॉस्टिलिटी दिखाने के अंदर और सौ ऑप्शंस हो सकते थे नहीं हुए एक टफ टा डिसीजन लिया गया जो उसकी वो शुरुआत हो गई मतलब हो गया फ़ैसला उसके बाद आपको लग रहा है कि एक चीज जस्टिस साहब के खिलाफ फैसला कर रहा है तो आप बुला के उसको इन्फ्लुंस कर रहे हैं उसके बाल खींच रहे हैं धक्के मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं वो भी उल्टी खोपड़ी था देखो ना मुशर्रफ को सोचना चाहिए था कि ये मकाफात अमल है शायद कि मुझे किसी ने सैक किया तो मैं डट गया तो मैं किसी को सैक कर रहा हूँ तो वो भी डट गया चीफ जस्टिस इफ्तार जीतखार चौधरी इफ्तार चौधरी तो सेम गए जिन्होंने वो कारके वाली कारके और था। था। जी जी हाँ। बहुत तबाही की दास्तानें हैं जो वो करके गए वो करके गए वो उन्होंने मतलब पाकिस्तान को वहाँ पहुंचाया वो आप डीफॉल्ट की बात कर रहे थे हमारी पॉडकास्ट में तो वी फगोट प्रकाश चौधरी ने भी हिस्सा डाला उस डिफॉल्ट के अंदर जी दो बहुत बड़े इंटरनेशनल केसेस जो हमारे भी हैं जो, प, जो जो पहला हमें जुर्माना हुआ उसमें रेकोडेक में, में चौदह पंद्रह अरब डॉलर था जो कम करते करते भी चार पाँच अरब डॉलर पे हुर कर रहा है लेट्स सी क्या सेटल होता है जी आई थिंक वो उस पर एक पूरा अलग प्रोग्राम हम कर सकते हैं जी डेफिनेटली तो? प्रोग्राम तो आप जितने मर्जी करें हमारी तो ये ओपन स्टोरीज हैं दास्तानें इनकी सब ने किस तरह किस तरह हिस्सा डाला अपना पाकिस्तान की तनाजरी के लिए तबाही की तरफ जाने के लिए सो so, मुशरफ की डाउनफॉल यहाँ पे हो चुकी थी आई थिंक इस टाइम तक जो पब्लिक सेंटिमेंट थी वो भी बड़ी बड़े खिलाफ हो चुकी थी। थी। वो जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मिल गए उन्होंने कहातरमा बेनज़ीर भुट्टो की बीच में हो गई वो भी एक मिस्ट्री रही मतलब आज तक पता ही नहीं लग सका जी कैसे हुआ मतलब एक गांव में कत्ल हो जाए तो हमारी पुलिस ढूंढ लेती है तो पूरे पाकिस्तान की पुलिस और एजेंसीज़ और आई और आई एस आई और एम आई सारे लगे थे बाहर से भी टीमें आई तो वो पता नहीं कर सकें कि बेनज़ीर को किसने सेसिनेट कराया बड़ी सिंपल सी बात होती है कि किन का बेनजीर ने नुकसान किया और किन को बेनजीरेशन से फ़ायदा होना था तो जाहिर है वही हो सकते हैं बाकी तो आउट ऑफ ब्लू किसी को शौक़ नहीं है वो आम किसी रिफ रैफ़ को तो मार नहीं देते देवर किलिंग बेनज़ीर भुट्टो शी वाज नॉट जोक वर्ल्ड और आप देखते हैं उसके बाद किस पैमाने के हुए, रेलवे स्टेशन जला दिए गए बैंक ये वो बड़ा नुकसान हुआ तो डेफिनेटली किसी का इंटरेस्ट था ज़्यादा इंटरेस्ट था लुकिंग बैक सर आप क्या कहेंगे मुशरफ के यानी कि उसको अगर हम सम करने की कोशिश करें पर्सनली आई फील कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी uh, उनकी रही एंड इट सीम्स आइ एट द स्टार्ट ऑफ इस करियर जब वो आए जिस तरीके से वो आए तो वाकई वो यी वॉज साउट ऑफ फोर्स्ड इन टू द पोजिशन और उनका पहला जो हाफ है टेन ईयर का वो लगता है एक नेट पॉजिटिव ही था मुल्क के लिए यानी कि अगर आप ओवरऑल हमारी इकनॉमिक ग्रोथ की बात करें जो हमारी कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज की डिवेलपमेंट हुई वो काफ़ी अच्छी रही और फिर हमने जिसने पहले बात की इट सीम्स है कि जो लीडर लेट, हाफ था उसके अंदर वो एक जो नशा होता है आपकी कुर्सी का जो उसके करप्टिंग इन्फ्लुंस होता है उसने आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड करते गया उनके रूल को देखो बात यह है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है आप कंपैरिजन uh, करो अपना इंडिया के साथ यू विल फाइंड दैम मेडली इन हेड्स ऑफ स्टेट मैडली इन लव विद ए रेक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस मैडली इन लव विद ए साइंटिस्ट और वो बिल्कुल उनको डेमिंग गॉड समझते हैं mm. चलो पॉलिटिशन को छोड़ दो उसके फैसले की रिप्रिकॉशंस होती हैं एक हीरो या हीरोइन कोई है पाकिस्तान में ऐसा हीरो जिसको सारे वर्शिप करते हो हीरोइन की करते हो तो मतलब वहाँ आप देखो कि वो शाहरुख को कैसे ट्रीट करते हैं अमिताभ को कैसे ट्रीट करते हैं मतलब mm. तो शाहरुख के घर के सामने हमेशा दस हज़ार का मजमा होता है दिन रात चौबीस घंटे mm. कौन है वो बेसिकली तो फिल्मों में नाचने गाना वाला ही है ना और तो कुछ नहीं नथिंग मोर टू इट जी और आप पाकिस्तान में कोई देख लो हाँ एक्चुअली हमें एज ए नेशन आदत ही नहीं है किसी को रिस्पेक्ट करने की किसी को प्यार करने की हम हमेशा उसकी नेगेटिव साइड ढूंढ रहे होते हैं उसकी खराबियाँ ढूंढ रहे होते हैं मुशर्रफ में डेफिनेटली लाल मस्जिद वेंट के इस चीफ जस्टिस वाला फैसला गलत था अमेरिका वाला जो फैसला था उसके नतज गलत आए लेकिन बातचीत है आज सारे बात करते हैं क्या नवाज शरीफ साहब ये प्रेशर ले सकते थे बिल्कुल नहीं ले सकते थे और आज अमेरिका कह रहा है ना कि जी हमने तो कहा ही नहीं था अब तो, तो, तो पहले ही माना हुआ, हुआ था मतलब कैसे उसको तो टेलीग्राम आई थी कि आप क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं उसने पहले ही हाँ कर दी थी इतना बेवकूफ़ या वो नहीं था डेफिनेटली आपने देखा कि अमेरिकस ने वो जिसने यहाँ दो बंदे मार दिए थे डेमन डेविस हमारे बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के असद मंजूर वट्सअप उन्होंने केस लड़ा उसका बगैर फीस के और वो रेमन डेविस लिखता है कि मुझे इसकी आंखों में खून नज़र आता था और मुझे लगता था कि मुझे ले जाएगा मुझे यहाँ से बच के नहीं निकल सकता लेकिन हमारे ने उसको निकालना था तो कैसे निकाला रातों रात को पचास सत्तर सौ लोग उनके रिश्तेदार पकड़े जेलों में डाले जिस दिन फाइनल केस की हियरिंग थी उस कोर्ट का स्टेटस चेंज हुआ कोई बंदा अंदर नहीं जा सका असद मंजूर बट को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया जो लॉयर था उनका लोगों का और सबको उन्होंने मजबूर किया कि तुम वो दीयत और कसास के तहत वो ले लो ब्लड मनी वो दिए के फारग की वो लोग बाहर निकले जहाज़ वेट कर रहा था रेमन डेविस को ले गया मतलब वो इतना को अमेरिकन सीधे हैं इतने सादे हैं इतने भोले हैं कि आप उनकी बात नहीं मानोगे और उस वक्त तो अमेरिका ने दुनिया का रुख बदलना था दुनिया की दुनिया की सेटिंग चेंज करनी थी दुनिया को एक डिफरेंट एंगल पे लेके जाना था वर्डब आउट जो लेटर हाफ था उसका जो डोमेस्टिकली उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो डिक्लेयर की जो इसने मीडिया ब्लैकआउट करवाया अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेस मेरा ये ख्याल है कि आखिरी दिनों में ना ही हेड लॉस्ट स्कूल आई से दैट एज डेड नाउ आई थिंक थोड़े खिसक गए थे और मैंने आपको बताया कि हमेशा ना ये एडवाइजर्स मरवाते हैं आपको साथ बिकॉज यू स्टॉप गेटिंग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप रियलिटी को नहीं देख सकते आप चीज़ों को नहीं फतम कर सकते वो जो आपको फीडबैक आता है जो सुबह रिपोर्ट आती है वही देखते हैं ना अब नवाज़ शरीफ़ का ये फैसला कि मैंने चीफ को ऐसे सैक करना है कि वो जहाज़ में बैठा होगा मैं कहो जहाज़ ना उतरने तो जहाज बाहर ले जाओ यार को मजाक है ये बच्चों का खेल है स्कूल के लड़कों का कि मैंने तेरी मोटरसाइकिल नहीं देनी आज मैंने लेके जानी है मैंने रात को फिल्म देखनी है बड़ी याद है मैं दो गालियाँ दूंगा दो थप्पड़ मार दूंगा हो सकता है इस तरह नहीं हो सकता वो नहीं हो सका बट नवाज शरीफ डिट मेक एन अटैम्प्ट उसने किया साथ करने की कोशिश की उसी तरीके से इसको भी ख्याल आया कि भाई मैं किसी तरीके से अब लगा ही रहूँ बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या रिवाज है कि लीडर आता है या पॉपुलर वोट से आता है या डंडे के ज़ोर पे आता है लेकिन वापस हम उसको धक्के मार के भेजते हैं हम उसको जलील करके भेजते हैं आप देख लें ना किस आपने उसके सिर पर ताज रखा तो अल्लाह तबारक वाली की सौ सौ मेहरबानी उन्होंने कर्म फरमायाज़म रमोत ला दुनिया से पर्दा फरमा गए वरना जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सबसिक्वेंटली बना तो हम पता नहीं उनके साथ क्या करते या कौन कौन से इल्जाम हम उन पर लगा देते कि जी सारा कुछ इनकी वजह से हुआ है आपको लगता है कि इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए थी आ, या कोर्ट को कोई फैसला लेना चाहिए था जो इन्होंने 2007 में यहाँ पनिशमेंट का कोई रिवाज नहीं है दरमिया पनिशमेंट या कानून आपके लिए और मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक हो गया सर मगर डू यू थिंक के कोर्ट का फैसला होना चाहिए था इनके खिलाफ देखो ना अगर इस पाकिस्तान की डिबैकल के जो जिम्मेदार थे लोग उनको सज़ा हो जाती या और इस तरह के जो बड़े केसेस हुए उनको हो जाती अभी जितने ये रिसेंटली आपने सुना होगा एक लेफ्टिनेंट जनरल को सज़ा हुई थी कि वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे एनिमी को जी ए, ए, एक सी ब्रिगेडियर साहब को फांसी भी हुई जी 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 वो इस वक्त वो जनरल साहब जो हैं वो उनके सारे वो माफ हो गए मेरा ख्याल जो नए चीफ आए हैं उन्होंने और वो इस तरीके से होता है एक दौर में होता है अगले में वो ठीक हो जाते हैं हमारे यहाँ वो चीज़ है ही नहीं कि चौदह साल जेल में रहा और वहीं वो गल सड़ के मर गया या उसको टीप भी हो गई ये एक निज़ाम बना हुआ है तो उसके ऊपर ऊपर चलते हैं ठीक है बट जस्ट टू भी क्लियर आपको लगता है कि जो दो हज़ार सात में उन्होंने एक्शन दिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे उनकी सजा होनी चाहिए डेफिनेटली डेफिनेटली ये तो कोई बात ना हुई ना कि आपको लग रहा है कि एक कोर्ट में डिसीजन कोई आप क्या कहाना है तो आप इमरजेंसी लगा के सब कुछ सस्पेंड कर दो और वो कर दो सिर्फ अपने आप को कायम रखने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए डेफिनेटली मैंने कहा ही लॉस्ट स्कूल ये लॉस्ट स्कूल बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें तरीख़ उनको किस तरह याद रखेगी आपके ख्याल में मेरा नहीं ख्याल उनको बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेगी बिकॉज होता क्या है कि जो आखिरी उनके एग्जिट के जो थे कारहााय नुमाया जो उनसे गलतियाँ सरजा हुईं वो इतनी हाई हुई और वही लोगों को याद रह जाती हैं अच्छी चीज़ कोई याद नहीं रहती कोई याद नहीं रहती मैं तो देखो मैं तो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोगों में से हूँ आप सिर्फ एक काम को देखो रेस्क्यू वन वन टू टू को देखो डिसाइड्स मैनी अदर थिंग्स तो वो ही एक ऐसा मजबूत इदारा बना है कि आज तक सब ने तजर्बे किए उसको उखाड़ नहीं सके जिस तरह हमारी फ़ौज कायम है या बड़े बड़े इदारे कायम है या हमारी जुडिश्री कायम है उस तरह, तरह वो भी कायम है और वतजीज बेहतरीन चल रहा है इस ग्रोइंग एक्सपैंड कर रहा है किसी भी एक इंटरनेशनल इदारे की टक्कर का वो काम अपने वसायल के अंदर करने की कोशिश कर रहे और बेशुमार ऐसी चीज़ें थी बेशुमार ऐसी चीज़ें थी माइंड यू सर ये जो सी पैक की बातचीत है सारे क्रेडिट लेते हैं ताज तो के सर पर जाते हैं आई डिस्टिंक्टली रिमेबर मुशर साहब के दौर में एक ब्रगेडे साहब थे ब्रगे गुल अकबर ने वो उस साइट को हेड कर रहे थे या लीड कर रहे थे कि वादर में क्या होना है एंड ही यूज टू कम एंड मीट मी एंड टेल मी फैसिनेट के गादर बनेगा पोर्ट होगी चाइना का काम होगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज होंगी वहाँ पे सारे बगैर उसके काम करेंगे जो कॉन्सेप्ट थे वो जो उसका उसका जो ब्लू प्रिंट था वो बनना शुरू हो गया था और वो वो कंसीव होना शुरू हो गया था आम मुशरफ को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ही वॉज एडर ही वॉज ए फाइटर ही वॉज ब्रेव ही वॉज करेजियस उसको डर खौफ नहीं आता था इवन उन, अपनी उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी कुछ आप आ, देख लें इंटरव्यूज़ या बातें इंडिया जो इंडिया गए और इंडिया में जाके वहाँ उनको फेस करना और बात करना बाकी पॉलिटिशियंस तो मेरे ख्याल आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वी गॉट अ गुड पॉलिटिशियन हु कुड स्पीक अ गुड इन रिटर दफ इमरान खान बट उसको भी हमने तीन साल में फ़ारिग कर दिया तो वो शरव साहब को उस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो भी हालात थे ही फॉट बैक ट्राई इट इज़ बेस्ट बाकी हर चीज़ के दो दो रिजल्ट आने होते हैं आईर यू पास और यू फेल सरप्राइजिंगली ही फेल्ड इन मैनी ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स ही अंडर टोक बट लाइफ इज़ लाइक दिस अब देखें अब दोबारा आपके हालात ख़राब हो गए पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हो गए रोज़ दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं माइंड ब्लास्ट हो रही है कुछ शहीद हो रहे हैं कुछ जख्मी हो रहे हैं सिविलियंस इन्वॉल्व हो रहे हैं कभी सुना स्वाद में कोई मिलिटेंट्स आ गए हैं उनको निकाला गया ये वो आगे पीछे इस रजीम का इम्तहान होगा पोलिटिकल रजीम का भी मिलिट्री रंजीम का भी कि वो कैसे उनको फाइट बैक करते हैं उनको करते हैं तो लेकिन मरफ़ जो है वो चीज़ें लिखता है अपने तरीके से जिसको समझ आती है उस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं मेरा ये ख्याल है कि माए लाज हमें उनकी मफरत, मफरत की दुआ करनी चाहिए एंड वी शुड रिमेंबर एज़ आर्मी चीफ एज अ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ सोल्जर वो ट्राई इज बेस्ट फॉर इज कंट्री फॉर इज कंट्री